रवि यादव कैसे भाई? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ संजय जी, आप नहीं कोई प्यार से तुम्हें चंबल बॉय तो नहीं बोल सकता है। ऐसा क्यों हो चंबल बॉय? जिसका कोई ठिकाना नहीं कल कहाँ रहेगा आज कहाँ है। मुझे लगता है कि सबका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस बार जो CCL चल रहा है तो आज यहाँ कल वहाँ, पहले जयपुर फिर रायपुर फिर केरल उसके बाद जोधपुर, तो किसी का ठिकाना नहीं है इस बार कि कौन कहाँ जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है CCL में? CCL में बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग तीनों मैच जीत चुके हैं। पहला मैच जयपुर में हुआ था, फिर रायपुर में हुआ, उसके बाद फिर जोधपुर में हुआ, अभी केरल में हुआ, सॉरी अभी जोधपुर जा रहे हैं हम लोग, और बहुत शानदार मैच हुआ, सबने बहुत अच्छा खेला। सबसे अच्छी टीम आपकी मानी जा रही है पूरे CCL में, किसका सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान तो जो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा बॉल डाल रहे हैं, सभी का योगदान है। मनोज तिवारी जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए थे एक बार, 48 रन्स मारे थे उन्होंने। उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे प्रवेश जी हो, चाहे विक्रांत भाई हो, चाहे आदित्य भाई हो, सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला। आप अपने पूरे टीम का नाम बताएंगे? हाँ, हमारी टीम के कैप्टन हैं मनोज तिवारी जी, वाइस कैप्टन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, उसके बाद प्रवेश जी हैं, आदित्य भाई है, विक्रांत भाई है, अंशुमन जी हैं, अंशुमन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकेट कीपिंग बहुत शानदार, जय भाई है, राघव भाई है, असगर भाई है, सुधीर भाई है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स। मनोज जी और निरहुआ जी, लास्ट टाइम मैंने देखा मैच में चोटिल हो गए थे, उस बाद ही मैच जीते, कितना इसमें वो जी जान से खेल रहे उस देखने में लग रहा है, उनके बारे में क्या कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? नहीं जी, देखिए ये हम जैसे प्लेयर्स जो हैं, जूनियर जो हैं, उनको सीखने का एक वो होना चाहिए कि चोटिल होने के बाद भी उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, वो एक ओवर रेस्ट बैठे, पट्टी लगाया अपने अंगूठे पर, उसके बाद तुरंत फील्ड में आ गया। तो ये जुनून दिखाता है कि हमारे जो सांसद होने के बाद भी खेलते हैं, कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, चोटिल होने के बाद भी हमारे लिए खेले, टीम के लिए खेले, कुछ सोचा नहीं उन्होंने अपना कि कुछ और भी हो सकता था, तो फिर भी वो फील्ड पर आए, इसका मतलब कि मनोज जी और निरहुआ जी को दिल से सैल्यूट है, और दोनों ने मिलकर मैच जिताया, और हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, फिल्मों के माध्यम से भी और जो उस दिन ट्रेजेडी हुई उससे भी। प्रवेश, यूडी और आदि ने काफ़ी बहुत अच्छा मैच को रोमांचक बनाया है, क्या कहेंगे सबसे प्लेयर का, अच्छे प्लेयर पर? दे आर वेरी नाइस, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बैटिंग की है। प्रवेश विराज ने जो लास्ट मैच हुआ था केरल में, जो 2 कैच लिए थे, बहुत डिफिकल्ट कैच था, मुझे लगता है वो कैच ही मैच का टर्निंग पॉइंट था, जो रनिंग जो कैच लिया था बहुत शानदार कैच था, वेरी नाइस, बहुत वेरी नाइस एक्चुअली। थैंक यू सर, लव यू। थैंक यू सो मच। क्या रहा है यार, किधर विचर है, विचर कभी छोड़ के आया? हेलो।